Assalamualaikum, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज मैं गिन आ गई हूँ आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार और झटपट सी रेसिपी के साथ। आज मैं बनाने जा रही हूँ झटपट तरीके से मार्बल केक की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, स्टेप टू स्टेप फॉलो करेंगे तभी जाकर आपकी रेसिपी परफेक्ट बनकर रेडी होगी। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले मैंने 1/2 कप शुगर ले लिया है, दानेदार शुगर, 2 eggs लिए हैं और 1/3 कप ऑयल लिया है, 1 teaspoon वनीला एसेंस। सबसे पहले हम एक ग्राइंडर जार ले लेंगे जिनमें हम अंडे ऐड करेंगे। अंडों के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी, ये देखें इस तरीके से। चीनी ऐड करने के बाद हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने से क्या होता है, रेसिपी बहुत ही परफेक्ट बनती है और केक बहुत ही सॉफ्ट बनकर रेडी होता है, तो इसलिए आप ऑयल ही ऐड कीजिएगा। और अब हम इसमें 1 teaspoon वनीला एसेंस ऐड करेंगे। आपका एसेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो आप 1/2 teaspoon ऐड कीजिएगा। और अब हम इसको कवर कर देंगे और अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे, ये देखिए इस तरह, ताकि इसका एक अच्छा सा पेस्ट बनकर रेडी हो जाए। बिल्कुल अच्छे से हम इसको ब्लेंड कर लेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक, बिल्कुल अच्छे से, ताकि ये मॉइस्ट सा बनकर रेडी हो इसका पेस्ट। अब हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है ये वाला। अब हम 1 कप मैदा ले लेंगे। मैदा हमने अच्छी तरीके से छान लिया है। इसमें हम 1 teaspoon बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद हम इसमें 1/2 teaspoon बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। ये पार्ट आपको स्किप नहीं करना। इन दोनों चीज़ों को ऐड करने से आपका केक बहुत ही मॉइस्ट बनकर फ्लफ़ी सा बनकर रेडी होगा, बिल्कुल ही बेकरी वाला, जैसे आप बाहर जाकर बाय करते हैं वैसा केक। टी टाइम के लिए ये परफेक्ट रेसिपी है। अब हम इन सारे ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है अपना बनाया हुआ पेस्ट, जो कि हमने अभी ब्लेंडर जार में बनाकर रेडी किया, वो सारा पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें इस तरीके से सारा पेस्ट ऐड कर देना है हमें। और अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल ही अच्छी तरीके से, एक विस्क की मदद से इसको विस्क कर लेना है। और इतना अच्छे से विस्क करना है ताकि सारा बैटर आपस में कंबाइन हो जाए और इसमें कोई भी लम्स ना रहें, ये देखें इस तरह। अब हम इसमें 1/4 कप जितना मिल्क ऐड कर देंगे। मिल्क ऐड करने के बाद विस्क की मदद से अगेन हम इसको अच्छे से विस्क कर लेंगे, ये देखें इस तरह, बिल्कुल ही अच्छे से, ताकि जो है वो हमारा बैटर अच्छे से कंबाइन हो जाए, ये देखें इस तरह। और यहाँ हमारा बैटर रेडी है। इसको अब 2 पार्टीशन में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि 2 अलग अलग बाउल्स में एक जितना बैटर ऐड कर देंगे। और अब एक बैटर में हम 1 teaspoon भर कर कोको पाउडर ऐड करेंगे। कोको पाउडर हमेशा छान कर ऐड करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लम्स होते हैं इसलिए। तो यहाँ देखें, बिल्कुल अच्छे से छान कर हम इसमें कोको पाउडर ऐड कर देंगे। और अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ये देखें इस तरह, बिल्कुल ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है हमें, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे, ये देखें इस तरीके से। और यहाँ देखिए हमारा बैटर बिल्कुल ही रेडी है। यहाँ हमारे दोनों ही बैटर अच्छे से रेडी हो चुके हैं, ये हमारा वनीला बैटर और ये हमारा चॉकलेट बैटर। अब हम एक मोल्ड ले लेंगे जिसमें हमें बेक करना है। इस मोल्ड में मैंने ऑयल ग्रीस करके बटर पेपर लगा दिया है। अब हम इस तरीके से इसमें बैटर पोर करेंगे। सबसे पहले वनीला बैटर लेंगे 1 tablespoon भरकर, और फिर इसमें हम इसको डाल देंगे, ये देखें इस तरीके से। अब हम चॉकलेट बैटर लेंगे और 1 tablespoon चॉकलेट बैटर ऐड करेंगे, बिल्कुल ही वनीला बैटर के सेंटर में, ये देखें इस तरह। और इसी तरीके से इस प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा मार्बल केक बिल्कुल ही परफेक्ट बनकर रेडी होगा। ये देखें इस तरीके से, दोनों बैटर्स को हमें एक एक करके डालना है और इस प्रोसेस को रिपीट करना है जब तक कि हमारे दोनों बैटर्स ख़त्म ना हो जाएं, तब तक।
ये देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त तरीके से इसकी लेयर्स बन रही है। इसी तरीके से हमें सारा बैटर ऐड करना है। यहाँ देखें इस तरह, बिल्कुल परफेक्ट लेयर बनकर ये रेडी होंगी इस प्रोसेस की वजह से। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन रेसिपी जो है वो बिल्कुल ही परफेक्ट बनकर रेडी होगी, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ मैंने पूरा बैटर इसमें पोर कर दिया है। अब मैं इसके सेंटर में हल्की सी डिज़ाइन बना दूंगी, ये देखें इस तरीके से। आप चाहें तो बनाएं और ना आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। और बस यहाँ पर मैंने एक स्टेन रख दिया था एक पॉट में और इसको प्रीहीट करने के लिए रख दिया था 10 से 15 मिनट पहले। अब हम अपना मोल्ड इसमें रख देंगे और इसको कवर कर देंगे तकरीबन 40 से 45 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर, ताकि हमारा केक जो है वो अच्छी तरीके से बेक हो जाए। और इसके ऊपर हम एक कपड़ा ढक देंगे क्योंकि स्टीम जो है वो इसकी बाहर ना निकले, ये देखें इस तरीके से। अब हम 45 मिनट बाद केक को चेक करेंगे। यहाँ देखिए हमारा केक 45 मिनट बाद अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसको प्रॉपर ठंडा होने के लिए रख देंगे, और जब ये ठंडा हो जाएगा अच्छी तरीके से तब हम इसको डिमोल्ड करेंगे। और यहाँ देखिए ये ठंडा हो चुका है, मैंने इसको डिमोल्ड कर दिया है। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट केक बनकर रेडी हुआ है, बिल्कुल ही फ्लफी सा। अब मैं आपको कट करके दिखाऊंगी, ये देखें कितना इजीली ये कट हो रहा है और कितना सॉफ्ट बनकर ये रेडी हुआ है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही इजीली ये रेसिपी बनकर रेडी हो जाती है। इतने मॉइस्ट केक की टी टाइम के लिए बेस्ट रेसिपी है, और ये इतना इजीली कट हो जाता है ऐसा लगता है कि हमने इसको बाहर से बाय किया है। कहीं से भी नहीं लगेगा कि आपने इसको घर में ही बेक करके बनाया है, इतनी झटपट तरीके से ये रेडी हो जाएगा और इतना मज़े का। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसी ही झटपट सी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल द स्पाइस सिस्टर को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।